हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो डेली वीडियो अपलोड हो रही है उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए. तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सेट नंबर 3 है. तो सेट 3 तो आपके कॉमन होगा, बट आपको यहाँ सीरीज़ देखनी है. JMS 4 है, या फिर आप कोड से भी समझ सकते हो. 30 सबका सेम है. ये फोर्थ सीरीज़ का थर्ड नंबर का सेट है. फोर्थ सीरीज़ का 2 नंबर का भी होगा, फोर्थ सीरीज़ का 1 नंबर का भी होगा. उनमें मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे बनोगे. तो इसका ए पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, 30 सीरीज 4 और सेट 3 का. इसका अभी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, बी सेक्शन सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज, ऑप्शन है, दो क्वेश्चन है, इसमें से कोई आपको एक अटेंड करना है. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन. तो इन इक्वेशन को आपका सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है. तो इस क्वेश्चन में देखो, एक्स और वाई यहाँ डिनोमिनेटर में है. तो सबसे पहले हम एक्स और वाई को न्यूमरेटर में लेके आएंगे. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है, बट यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहे हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को कोई और वेरिएबल लेके यहाँ सॉल्व करेंगे. तो ये हमारी इक्वेशन है. तो इसमें हमने 1 अपॉन एक्स को ए ले लिया, 1 अपॉन वाई को बी ले लिया. तो ये 3 × 1 अपॉन एक्स, तो 3 ए, 8 × 1 अपॉन आई, 8 बी हो गया. एज इट इज यहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स ए हो गया, और 2 × 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई की जगह बी रखा, तो ये 2 बी हो गया. अब आपको यहाँ पे दो इक्वेशन, आपकी ये वाली इक्वेशन चेंज होकर ये इक्वेशन बन गई दूसरे वेरिएबल में. अब आपको जो भी मेथड यहाँ पे ईजी लगता है, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे ए का कॉफिशियंट 1 है, तो मुझे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना सबसे इजी लगा, कि यहाँ से डायरेक्ट हम इसको ट्रांसफर करके और वैल्यू पुट करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैंने वही मेथड यहाँ पे यूज़ किया. तो जो मेथड आपको इजी लगा हो उससे आप इसको सॉल्व करना, और आंसर आपके यहाँ पे मैच होने चाहिए. तो यहाँ से ए की वैल्यू को मैंने फाइंड करके, यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इसे ए की वैल्यू फाइंड की, 2b इधर चला गया, तो ए इक्वल टू 2b प्लस 2 हो गया. इक्वेशन नंबर 3 हो गई. इस ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. 2 से वैल्यू फाइंड की, तो 1 में पुट किया, तो 3 एज इट इज, ए की जगह हमने 2b प्लस 2 रख दिया, प्लस 8b इक्वल टू -1 एज इट इज. तो यहां से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो दिस इंप्लाइज 3 × 2 6b प्लस 3 × 2 6 प्लस 8b इक्वल टू -1. नंबर से एक तरफ लिख के चले जाते हैं, तो a और b को b से ऐड किया, 8 प्लस 6 यहाँ 14b इक्वल टू -1, प्लस 6 उधर गया तो -6 हो गया. तो ये हो गया 14b इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 1 हो गया 7. साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव है. तो b इक्वल टू हमारा -7, 14 यहाँ मल्टीपल में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में. तो 7 के टेबल में 7 आया 1 टाइम, 14 आया 2 टाइम. तो दिस इंप्लाइज b की वैल्यू यहां से कितनी होगी, -1/2. अब इस b की वैल्यू को आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके और a की वैल्यू को यहां फाइंड कर लेते हैं. तो ये 2, b की जगह पे हमने -1/2 रख दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू हमारा यहाँ -1 बच गया, -1 + 2 हो गया. तो a, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया. साइन हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 बड़ा है. तो a और b की वैल्यू यहाँ पे आ गई, बट हमें a और b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यू चाहिए. तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो. ये वाला ये देखो, a इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 1/x है, तो दोनों के यहाँ पे a इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएंगे. तो ना 1 अपॉन या a इक्वल टू 1 अपॉन x है, एंड a इक्वल टू 1 भी है, तो दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी हो जाएंगे इक्वल. दिस इंप्लाइज 1/x इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीपल कर लो, x डिनोमिनेटर में तो या न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1. तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1. नाउ आप b के लिए कंपेयर कर लेते हैं. तो b इक्वल टू -1/2 है, एंड b इक्वल टू हमारा 1/y जो हमने ऊपर लेट किया था. तो यहाँ भी लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल हो जाएंगे. तो -1/2 इक्वल टू 1 अपॉन y, क्रॉस मल्टीपल किया तो y इंटू -1 माइनस वाई हो गया, 2 × 1 हमारा 2 हो गया, माइनस को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो y इक्वल टू -2 हो गया. यानी कि y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, -2. तो फाइनल आंसर लिख लेना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. तो हमें यहाँ पे जो मैं दो इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन यूनिक है. यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तब हमें यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड करना है. तो यूनिक सॉल्यूशन की अगर आपको कंडीशन पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिख लिया, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 होना चाहिए. तो a1 a2 b1 b2 की वैल्यू कहाँ से आएगी,
तो ये जो आपकी इक्वेशन है उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो एक्स के कॉफिशियंट को हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए ए वन लिख रहे हैं, वाई के कॉफिशियंट को बी वन और कॉन्स्टेंट को सी वन, सेकेंड इक्वेशन के में एक्स के कॉफिशियंट को ए टू, वाई के कॉफिशियंट को बी टू और कॉन्स्टेंट को टेन लिख रहे हैं। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, तो ए वन ए टू बी वन बी टू की हमने वैल्यू पुट कर लेती, अब यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज इस थ्री को उधर ट्रांसफर किया तो के इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन है तो नॉट इक्वल ही रहेगा, तो टू बाय सिक्स यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीपल में चला गया, थ्री के टेबल में सिक्स कैंसिल हो गया टू टाइम, टू के टेबल में टू कैंसिल हो गया वन टाइम, तो दिस इम्प्लाइज के हमारा आया नॉट इक्वल टू वन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें के की जगह पे आप वन नहीं पुट कर सकते हो, बाकी आप के की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, वन पुट करने पर आपका ये क्या हो जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन हमें यहां पे नहीं मिलेगा। तो बस यही फाइनल आंसर आपको लिखना है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, यानी के की सारी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप के की पुट करते हो एक्सेप्ट वन, बस वन को यहां पे नहीं पुट कर सकते, के सिर्फ वन के इक्वल नहीं हो सकता, तो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। नाउ क्वेश्चन नंबर एट इज यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 255867, यानी कि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में होता है, तो आपके इसके स्टेप्स हैं, इसमें से जो बड़ा नंबर होगा यानी 867 हमारा बड़ा है तो 255 से, तो जो बड़ा होगा उसको हम यहाँ पे डिविडेंड ले लेंगे जिसमें हम डिवाइड करेंगे, और ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा जिससे हम डिवाइड करेंगे। तो आपको एक कंप्लीट डिवाइड करना है, यानी 255 का कंप्लीट डिवाइड 867 में होना चाहिए, तो 3 टाइम हमारा 765 आता है तो रिमाइंडर 102 हो गया, अब आगे हमारा डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर हमारा छोटा हो गया। तो अब इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है, और तब तक इसको हम एक डिवाइड करते जा रहे हैं तब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 867 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, तो हम ये रीजन लिखेंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर भी जीरो नहीं हुआ तो हम प्रोसीजर को आगे और फॉलो करेंगे। तो अगेन हमें डिवाइड करना है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन आपका ए और बी आप कहाँ से लेकर आओगे, तो जो आपने जिससे पहले डिवाइड किया था अब वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है उससे हम अगेन डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन में अब फिर से हमारा डिवाइड, अभी तक भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो फिर से हम यहाँ लाइट कर लेते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ रिमाइंडर अभी भी जीरो नहीं है। एक बार और हम इसको स्टेप को नेक्स्ट कर दें, अगेन हमने यहाँ पे स्टेप राइट किया कि अब हमारा 51 जीरो नहीं है तो अगेन अप्लाई करेंगे, तो 102 हमारा डिविडेंड हो गया और 51 जो यहाँ पे रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो गया, फिर से डिवाइड किया तो अब आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। तो लास्ट स्टेप हमने यहाँ लिख दिया, तो अब आपका एचसीएफ क्या होगा, जो लास्ट जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वो हमारा जो लास्ट डिवाइजर होता है रिमाइंडर जीरो आने पर वो हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो हमने रीजन यहाँ पे ऐड किया, नाउ हमारा रिमाइंडर जीरो हो गया, तो अब प्रोसीजर हमारी स्टॉप हो जाएगी, सिंस द डिवाइजर एट द स्टेज इज 51, यहाँ पे इस स्टेज पे हमारा डिवाइजर 51 है, तो एचसीएफ दोनों नंबर का क्या हो जाएगा 51। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी वेयर ए इज -4,0 एंड बी इज 0,6 सच दैट ए आर इक्वल टू 3/4 ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, यानी एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके ए के कोऑर्डिनेट है बी के कोऑर्डिनेट है और आर उस लाइन को इस तरह से डिवाइड करता है कि आपको ए आर और ए बी का ये रेशियो गिवन है तो हमें आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, तो ये इस तरह से लाइन है आर, इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट आपका यहाँ पे जिस पे इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि ए आर जो है यानी ए आर इतनी जो साइड है वो ए बी की थर्ड फोर्थ पोर्शन है, यानी इस पूरी ए बी का ए आर थर्ड फोर्थ पार्ट है, तो आपको यहाँ पे आर के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है, ए आर और ए बी में रेशियो गिवन है, तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला जो हमारा है एम वन इज टू एम टू रेशियो में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो जो चीज़ हमें गिवन है वही यूज़ करके हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें रेशियो किस में चाहिए, ए आर और आर बी में चाहिए, जरा लेट कि वो रेशियो हमारा एम वन और एम टू है, तो ये हमें इस रेशियो में यहाँ पे वैल्यू चाहिए, बट हमें जो रेशियो वो ए आर और ए बी में गिवन है, तो आपको इस ए बी को यहाँ से हटा के क्या करना है, आर बी में चेंज करना है। तो वो आप कैसे करोगे, इस ए बी को आप क्या पुट कर लो, ए आर प्लस आर बी कर लो, तो उससे हमारा रेशियो चेंज जाएगा। तो देयर फॉर ए आर इक्वल टू 3/4 ए बी की जगह हम राइट कर सकते हैं ए आर प्लस आर बी, क्योंकि ए आर और आर बी को ऐड करके ही ए बी बना हुआ है। नाउ उसको सॉल्व कर लो, पहले 4 यहाँ डिवाइड में उधर ट्रांसफर कर दिया तो 4 ए आर हो गया, डिवाइड तो मल्टीपल हो गया और 3 को अंदर मल्टीपल कर लो तो 3 ए आर हो गया प्लस 3 इंटू आर बी 3 आर बी हो गया।
नाउ ए आर को उधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो 4 AR + 3 R उधर जाके -3 AR इक्वल टू हमारा 3 RB हो गया। तो 4 - 3 1 AR हो गया, तो ए आर इक्वल टू 3 RB हो गया। हमें ए आर और आर बी का रेशियो चाहिए, तो आर बी को इधर ट्रांसफ़र कर दे, तो ए आर आर बी मल्टीपल में तो डिवाइड में हो गया, ए आर अपॉन आर बी इक्वल टू 3, और यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, यानी कि ए आर का रेशियो यानी m1:3 हो गया हमारा, और आर बी का रेशियो क्या हो गया 1। तो हमें रेशियो यहाँ पे पता चल गए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा के, और क्योंकि रेशियो हमें पता है, कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो आर के कोऑर्डिनेट हम इजीली फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में हमने यहाँ पे m1, m2, x1, x2, y1, y2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया। ये मैंने इसको a के कोऑर्डिनेट को x1, y1 ले लिया, b के कोऑर्डिनेट को x2, y2 ले लिया, तो -4 × 1, तो ये -4 × 1 +0 × यहाँ पे ये देखो x2 m1, तो 3 × 0 हो गया, डिवाइड बाय 3 + 1। सेम यहाँ पे वैल्यू पुट किया, बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। 3 × 0 0 +−4 × 1 4 डिवाइड बाय 3 + 1 4, फिर 6 × 3 18 +1 × 0 0 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 हो गया। तो दिस एम्प्लाइज ये हो गया -4/4, क्योंकि -4 में से 0 गया, -4 ही बचा, और 18 + 0 भी आपका 18/4 हो गया। तो 4 के टेबल से 4 कैंसिल आके 1 आ गया, और यहाँ पे 2 के टेबल से 4 कैंसिल 2 टाइम, और ये कैंसिल हो गया 9 टाइम। तो कोऑर्डिनेट हमारे आर के कितने हो गए, -1, 9/2। तो हैंस द फाइनल आंसर राइट कर लेते हैं, तो ये फाइनल आंसर। तो इस तरह से अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पूरे यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, यहाँ भी आपका ऑप्शन है, दो में से कोई एक आपको सॉल्व करना है। तो जो सेकंड वाला पार्ट है, ये आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है, तो आप एज इट इज इसको यूट्यूब पे सर्च करना, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 करके, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और इसका आंसर 4, 10, 16, ये आपका इसका आंसर है। फिर फर्स्ट पार्ट इसका, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 205। तो आपको पहले क्या करना है, ये जो 10 और 205 के बीच में जितने भी नंबर्स है उसमें से आपको देखना है कि 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो बहुत इजी है, 4 का टेबल लिख लो, स्टार्ट तो हम कर सकते हैं। तो 4 के टेबल में 4 आएगा, फिर 8, तो वो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 10 से स्टार्ट करना है, तो 4 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 12 से। 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, फिर पीछे से कौन सा नंबर आएगा, तो आप इसको डिवाइड करके देख लो। तो ये 205 में हमें डिवाइड किया, तो 205 में तो आपका यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये 5 टाइम हो गया 20। तो अगर यहाँ पे ये तो हो गया 0, 5 नहीं होके अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता, तो 5 एक एक नंबर कम कर दिया, 4 नहीं होता तो 3 चेक करते, तो ये आपका 51 टाइम पूरा डिवाइड हो गया। तो आपका लास्ट नंबर कौन सा हो गया, 204 हो गया। तो ये हमने एपी पहले बना लेना, एपी हमने बना लिया स्टार्टिंग से, तो 4 का टेबल लिख लिया, पीछे से हमने देख लिया कि 5 नहीं डिवाइड हो रहा है, 4 रख के डिवाइड करके देखा तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो अब ये एपी हमारी मिल गई। अब आपको बताना है इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ बतानी है। तो ए हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया, डी जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा a2 - a हो गया, ए एंड लास्ट टर्म जो हमारी होती है वो 204 हो गया। अब एन हमें फाइंड करना है, तो सारी टर्म अगर हमें फाइंड करनी तो टर्म का फॉर्मूला ही हम यूज़ करेंगे, तो an इक्वल टू a + n - 1 × d। अब आप वैल्यू पुट कर लो, an की जगह 204 इक्वल टू 12 प्लस एन हमें यहाँ फाइंड करना है, और डी हमारा यहाँ कितना रहा है, 16 - 12 4 हो गया। तो ये हमने यहाँ पुट कर लिया ना, उसको सॉल्व कर लो, पहले 12 इधर ट्रांसफर किया, तो 204 - 12 इक्वल टू n - 1 × 4। तो 204 में से आपका 12 सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 4 - 2 हमारा 2 हो गया, 20 - 1 हमारा हो गया 19, तो ये हो गया 192। और फिर आप क्या करो, इस 4 को यहाँ ट्रांसफर कर दो, यहाँ मल्टीपल में तो ये आ गया डिवाइड में, n - 1 हो गया। तो ये 4 की टेबल से आप कैंसिल कर लो, तो 4 की टेबल से 18 नहीं आएगा, 4 टाइम हो गया 16, फिर 3 बच गया 32, तो ये हमारा यहाँ हो गया 8 × 4 = 32 हो गया, तो 48 हो गया। तो अब आप इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 48 - 1 उधर जाके +1 इक्वल टू एन हो गया, तो दिस इम्प्लाइज 49 इक्वल टू एन हो गया, यानी कि 49 टोटल इसमें टर्म है, 49 इसमें 12, 16, 20 से लेके 24 तक टोटल 49 टर्म्स है। तो हैंस द वैल्यू ऑफ एन इज, जो हमें फाइंड करना था, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, तो देर आर, तो जिस स्टेटमेंट हमको क्वेश्चन पूछा है उसी स्टेटमेंट आंसर लिखना है कि देर आर 49 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 205। नाउ नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 का सेकंड पार्ट आपका एनसीईआरटी से आया हुआ है। तो क्वेश्चन इज, 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी कि 3 डिफरेंट कॉइन है उनको आपने एक साथ उछाला है, 3 कॉइन ले लिए एक साथ उनको उछाला है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, ओनली ए वन हेड आने की आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स और इस कंडीशन के आने के लिए वन हेड आने का टोटल फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पता होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, ये अगर एक कॉइन के ऊपर दो कंडीशन होती, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, थ्री कॉइन आपने टॉस किए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स टू पावर, दो कंडीशन है तो यहाँ पे टू पावर थ्री कर दिया, टू कॉइन होते तो टू पावर टू कर देते, एक कॉइन होता तो टू पावर वन, इन हेड और टेल आता तो टोटल एट हम आपके यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक हेड आने की कंडीशन चाहिए। तो आप पॉसिबल आउटकम्स हम कैसे फाइंड करेंगे कि तीनों कॉइन पे आपके हेड आ जाए, नहीं तो फर्स्ट टू पे हेड आए तीसरे पे टेल आ जाए, या फिर हेड ये टेल इधर चला जाए, या फिर ये टेल पहले नंबर पे आ जाए। तो इस तरह से आपको कंडीशन राइट करनी है। तीनों हेड हो गए, तीन हेड के बाद दो हेड चाहिए, तो दो हेड कैसे आ सकते हैं, पहले टू पे हेड आ जाए, फिर फर्स्ट लास्ट पे आ जाए, या फिर लास्ट टू पे आ जाए। अब एक ही हेड ले लेते हैं, तो ये कंडीशन हमारी हो गई। अब एक हेड आ गया तो बाकी दो टेल हो जाएंगे। अब एक हेड फर्स्ट पे आया, अब यही हेड आपका क्या आ जाए, सेकंड पे आ जाए, और यही हेड आपका क्या आ जाए, थर्ड पे आ जाए, तो ये कंडीशन। और नहीं, अब एक हेड भी हो गया, अब जीरो हेड आए, यानी कि तीनों के आ जाए टेल आ जाए। तो देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आपकी यहाँ कंडीशन हो गई। अब आप देख लो, यहाँ पे हमारे पास टोटल वन हेड यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, तो वन हेड आपका आ रहा है वन टू और थ्री, तीन कंडीशन हमारी ऐसी है जहाँ पे सिर्फ एक बार हेड आ रहा है, हमें सिर्फ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो थ्री हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो आपने फॉर्मूला राइट कर लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जैक्टली वन हेड, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम इज थ्री, पॉसिबल आउटकम्स इज एट, तो थ्री बाय एट हमारा यहाँ आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको पूरा यहाँ पे टू मार्क्स मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन एन ओड नंबर। तो ये आपके एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये आंसर आपको पूरा अच्छे से समझना है, तो वहाँ जाके देख लेना, आंसर मैच करना है, तो आंसर दोनों का 1/2 1/2 आ रहा है। तो आई होप आपको सेक्शन भी अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।